Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am here again with important questions on cyber law and security. So let us begin our class 5. Class 5 हम firewall से related कुछ questions से start करेंगे, ठीक है? तो let us begin. First question is, a firewall may be implemented in. सबसे पहले तो आपको फायरवॉल पता होना चाहिए. देखिए, डू वॉच माई फर्स्ट 4 क्लासेस, उसमें आपको फायरवॉल के बारे में काफ़ी बार बताया गया है. तो एक बार मैं हल्का सा फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है? फायरवॉल में क्या है कि अगर एक नेटवर्क से जैसे कोई भी नेटवर्क है, एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे डेटा जब जाता है तो फायरवॉल के थ्रू होके जाता है. अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो फायरवॉल उसे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. मतलब फायरवॉल फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है? तो मतलब ये नेटवर्क को हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सो फायरवॉल में भी इम्प्लीमेंटेड इन, इसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राउटर्स विच कनेक्ट इंट्रानेट टू इंटरनेट. अब पहले तो आपको राउटर्स पता होने चाहिए. वॉट आर राउटर्स? राउटर्स क्या होते हैं जी, ठीक है? ये क्या होते हैं? स्विचिंग डिवाइस होते हैं. इनका काम क्या होता है? डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजना. जैसे यहाँ पे कोई एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क से डेटा दूसरे नेटवर्क पे डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है? तो उसके बीच में क्या होता है, राउटर लगा होता है. ये राउटर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है? तो विच कनेक्ट इंट्रानेट टू इंटरनेट. अब इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क है? इंटरनेट तो देखो सबको ही पता है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया को जोड़ता है, ठीक है? ये पब्लिक नेटवर्क होता है. कौन सा नेटवर्क होता है? वो इंटरनेट जो होता है पब्लिक, मतलब कोई भी इसे आम यूज़ कर सकता है. लेकिन जो इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ होता है, ठीक है? मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना ही नेटवर्क बना ले इंटरनेट का, तो उसे हम बोल देते हैं इंट्रानेट. जैसे आजकल की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, विप्रो कंपनी है, ठीक है? उन्होंने अपना इंट्रानेट एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है? तो इंटरनेट और इंट्रानेट तो आपको समझ आ गया होगा. एक टर्म होती है एक्स्ट्रानेट, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज एक्स्ट्रानेट? एक्स्ट्रानेट क्या होता है? ये भी सिंगल, कोई किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ करते हैं, या फिर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ कर सकती हैं. लेकिन इसमें क्या है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करने के लिए उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है. तो ये फ़र्क था इन तीनों में. सो ब्रिजेस, नेक्स्ट ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं. ब्रिजेस यूज्ड इन एन इंटरनेट, ब्रिजेस नहीं यूज होते. ब्रिजेस एक्चुअली में क्या होते हैं, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ के एक बिग लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं. मल्टीपल लैन लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ के, कंबाइन करके एक बिग लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है? तो एक्सपेंसिव मॉडर्न यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम इनसे रिलेटेड नहीं है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फायरवॉल एज अ पार्ट ऑफ राउटर प्रोग्राम. देखो, मैं अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता के हटी हूँ कि फायरवॉल का काम क्या होता है, फिल्टर करना, ठीक है? फिल्टर वाले तो ऑप्शन अब 3 है, फिल्टर, ठीक है? इंश्योर वाला तो ऑप्शन आप पढ़ के डिस्कार्ड कर सकते हैं कि इंश्योर रैपिड ट्रैफिक ऑफ पैकेट्स, PDE, ई-कॉमर्स, इससे तो रिलेटेड नहीं है. देखो, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पैकेट की ट्रैवलिंग बहुत अच्छे से करवाता है. मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अगर पैकेट्स भेजने हों तो उसके लिए भी ये फायरवॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो फिल्टर ओनली पैकेट, इंटरनेट से जो पैकेट आ रहे हैं सिर्फ उसको फिल्टर करेगा? नहीं जी, इसका काम तो हर तरफ से, एक इस तरफ से भी जो पैकेट आ रहे हैं उसको भी फिल्टर करता है, और जो इस तरफ से आ रहे हैं उसको भी फिल्टर करता है. तो यहाँ पे पैकेट गोइंग टू इंटरनेट, नो, इनको भी नहीं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी. तो ये पैकेट्स जो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों से आ जा रहे हैं उनको फिल्टर करते हैं. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल, ठीक है? प्रॉक्सी सर्वर मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले क्लासेस में, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो फायरवॉल ही एक तरह का फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज़ किया जाता है, ठीक है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? टू अलाउ इंट्रानेट यूजर्स टू सिक्योरली यूज स्पेसिफाई इंटरनेट सर्विसेज सिक्योरली. तो जहाँ पे फायरवॉल हो गया तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. तो हम इंटरनेट सर्विसेज सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं. एफिशिएंटली यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है. कॉरपोरेट यूजर्स को अलाउ करता है, ये भी नहीं होगा. तो प्रिवेंट करता है कॉरपोरेट यूजर्स को, ये भी नहीं होगा. सिक्योरली अलाउ करता है ये हमें यूज़ करने के लिए. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे. इसका अब प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फायरवॉल, ठीक है. ये फायरवॉल से रिलेटेड है. तो हमें क्या हेल्प करता है? तो इसका ऑप्शन वैसे करेक्ट क्या होगा? बी, जिसमें तीनों ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. अब पढ़ते हैं ये क्या है. एक्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंट्रानेट यूजर्स वांटिंग टू एक्सेस इंटरनेट सिक्योरली, सिक्योरली इंटरनेट एक्सेस कर सके इंट्रानेट यूजर्स, यस, ये भी इसका काम है प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे का. मॉनिटर करता है ऑल एक्सेस टू इंटरनेट एंड अलाउ एक्सेस ऑनली स्पेसिफाइड आईपी एड्रेस, जो उसको ठीक लगता है आईपी एड्रेस उसी को अलाउ करता है एंटर करने के नेटवर्क में, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करता. दिस अलाउज यूज ऑफ सर्टेन प्रोटोकॉल्स विद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, यस, जिनमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस अलाउ कर देता है कि तुम हमारे नेटवर्क में नहीं आ सकते, ठीक है. फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता. ये तो कह रहे हैं कि डिसअलाउ कर दो सारे इंटरनेट यूजर्स को, इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर सकते. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. अ हार्डेंड फायरवॉल होस्ट ऑन एन इंट्रानेट. देखो एक फायरवॉल की टाइप्स होती हैं. एक हार्डवेयर फायरवॉल होता है, मतलब हार्डवेयर की फॉर्म में भी लग सकता है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी लिख सकता है. और एक क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के फॉर्म में भी फायरवॉल लग सकते हैं, ठीक है. तो इसका ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? चारों ही सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है. ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. हैज़ अ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे, हाँ जी, आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हो कि प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे है. अलाउड स्पेसिफाइड इंटरनेट, ये स्पेसिफाई को ही अलाउ करते हैं, हर एक को एक्सेस नहीं करने देता. अगर उसे कुछ सस्पिशियस लगता है उसको रोक देता है. इनिशिएट्स ऑल इंटरनेट एक्टिविटीज़, सारे इंटरनेट एक्टिविटीज़ करता है जो क्लाइंट, और उनको मॉनिटर भी करता है, येस. प्रिवेंट आउटसाइडर्स, येस, आउटसाइडर्स को जिनका आईपी एड्रेस उसको सही नहीं लगता उनको आने ही नहीं देता नेटवर्क में. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. देखो जब आईटी एक्ट पास हुआ था, ठीक है, तो तब मान्यता मिली थी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं, ठीक है. जब आईटी एक्ट पास हुआ था साइबर क्राइम के लिए तो ये पास हुआ ही हुआ था, बट ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी बढ़ावा देने के लिए ये आईटी एक्ट पास हुआ था. तो ये किसके अंडर आता है? सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है. तो सेक्शन 6 डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 6 में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल साइंस जो है गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज होंगे, सेक्शन 6 में ये आ जाता है. सेक्शन 5 में क्या आ जाता है कि लीगल रिकॉग्निशन मिली थी डिजिटल सिग्नेचर्स को, डिजिटल सिग्नेचर्स को मान्यता मिली थी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को मान्यता सेक्शन 4 में मिली थी, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स को मान्यता सेक्शन 5 में मिली थी. तो इसको थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है. तो सेक्शन 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 2 में क्या है? कुछ नहीं, इसमें प्राइवेट की और पब्लिक की, डिजिटल सिग्नेचर्स में प्राइवेट की और पब्लिक की यूज़ होती है. ये क्वेश्चन आगे आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है. तो बस आपने याद रखना है सेक्शन 2 इज़ रिलेटेड टू पब्लिक की एंड प्राइवेट की ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. वॉट इज़ ये आर कॉम्पोनेंट ऑफ IT Act 2000. IT Act 2000 में क्या क्या है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ टू डिजिटल सिग्नेचर, हाँ जी, डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता मिली थी. रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, हाँ जी, रूल्स जो है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के, हाँ ये लागू हुए थे, ठीक है. मतलब सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी, ये भी लागू हुए थे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज. डिजिटल सिग्नेचर्स और डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल हम सिग्नेचर करते हैं, अगर डिजिटल सिग्नेचर्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं,
ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर्स को मान्यता मिली थी आईटी एक्ट में। डिजिटल सर्टिफिकेट्स ये बताते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बताते हैं कि किसने किसने भेजा ये मैसेज, ठीक है, सेंडर ऑफ द मैसेज के बारे में बताते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी बताते हैं कि किस कंपनी के नाम पे ये इशू हुआ और किसने ये सर्टिफिकेट किसको भेजा है, ठीक है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आईटी एक्ट 2000 अमेंडेड वेरियस सेक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। देखो जब कोई भी नया एक्ट आता है, ठीक है, जैसे आईटी एक्ट 2000 आया था, जब कोई भी नया एक्ट आता है बच्चों, तो बाकी एक्ट्स पे फर्क पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन से एक्ट चेंज हुए थे, अमेंड हुए थे, ठीक है, जब आईटी एक्ट आया था, याद रखना आपने 4 एक्ट्स चेंज हुए थे, ठीक है, 4 एक्ट्स चेंज हुए थे। कौन कौन से? इंडियन पेनल कोड 1860, ये भी चेंज हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, ये भी चेंज हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अमेंडेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अभी हम करके चुके हैं पिछला क्वेश्चन कि कौन कौन से एक्ट अमेंडेड हुए थे। हाँ जी, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट अमेंड हुआ था, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी, इंडियन एविडेंस भी अमेंड हुआ था, बट क्या नहीं अमेंड हुआ था? बीएसएनएल आईटी पॉलिसी। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीएसएनएल आईटी पॉलिसी। मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज वर्क अंडर, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सीसीए है क्या। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके बहुत सारे टास्क हैं। मेन टास्क तो इसका क्या है? डिजिटलाइजेशन करना गवर्नमेंट वर्क में, ठीक है। डिजिटलाइजेशन की मतलब हर काम इलेक्ट्रॉनिकली हो, इंटरनेट यूज़ करके हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हो, जो डिजिटलाइजेशन स्पेशली करती है गवर्नमेंट सर्विसेज की, ठीक है, और ई कॉमर्स को भी बढ़ावा देती है, इसका काम ये भी है। तो यहाँ पे पूछें ये किसके अंडर वर्क करती है। ऑब्वियसली अगर डिजिटलाइजेशन कर रही है, ठीक है, आईटी से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के अंडर आएगी, ना ये इसके अंडर आएगी, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना ऑटोनॉमस बॉडी। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द डाटा ऑन विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनवैलिडेट सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। यहाँ पे डाटा की जगह डेट कर लीजिए, कौन सी डेट को? 66A। देखो सेक्शन 66A जो है बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन था, ठीक है। सेक्शन 66A में 2000 ईयर में जब आया था, तब उन्होंने कहा था कि सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेज ये क्या है? पनिशमेंट है। कि अगर किसी को कोई मैसेज हमने भेज दिया बेइज्जती करने वाला, या उसको बुरा लग गया, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कोई भी फेसबुक पे या कुछ भी ऐसे, तो वो आप पे क्या कहते हैं सेक्शन 66A लागू करवा सकते हैं। और जब 2008 में इसको अमेंड किया, तो उन्होंने क्या कर दिया कि तीन साल की सज़ा और कोई फाइन भी आप पे कुछ अमाउंट का इम्पोज हो सकता है। बट ये तो बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया कि हाँ किसी को कुछ कहने से है हमें अपना कोई ह्यूमन राइट नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, किसी को कुछ कहने से हमें फाइन लग जाएगा, 3 years की सज़ा हो जाएगी। तो 2015 में इस एक्ट को, इस सेक्शन 66A को 24 मार्च 2015 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, इनवैलिडेट कर दिया गया। तो आपने ये डेट याद रखनी है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले तो आपको साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में पता होना चाहिए। साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखो आईटी से, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी मामले हैं, ठीक है, वो नॉर्मल कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में आपको पता है कि टाइम क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ठीक है, मामलों को सुलझाने में। तो ये क्या है? ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, जल्दी से जल्दी फैसला आता है। तो आईटी एक्ट के लिए मतलब जो साइबर क्राइम्स के लिए ये साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया, ताकि इसके फैसले
इस एक्ट से रिलेटेड जो भी फैसले जल्दी जल्दी सुलझाए जाएं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगर साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपना कोई फैसला दे दिया, ठीक है, तो हम उस फैसले के अगेंस्ट कितनी देर में अपील फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 60 डेज, 60 डेज के अंदर अंदर हम अपील फाइल कर सकते हैं इस जब ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द अपील कोर्ट ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाय साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल। अब हम अपील कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है 60 डेज के अंदर अंदर, पर किस कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हाई कोर्ट। सो मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। विच आर द सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट एप्लीकेबल फॉर साइबर पोर्नोग्राफी, ठीक है। साइबर पोर्नोग्राफी, अगर किसी की गलत इंफॉर्मेशन, गलत फोटोज या वीडियोस लीक करते हैं, पब्लिश करते हैं इंटरनेट पे, तो कौन से एक्ट उन पे लागू होते हैं, 67, 67A और 67B। हमारी प्रीवियस क्लासेस आप देखना, उसमें इस एक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन में बताया गया है, ठीक है। तो बाकी 66 सेक्शन जो है हैकिंग के लिए, सेक्शन 66 जो है वो हैकिंग के लिए यूज़ होता है, सेक्शन 66A जो है, 66A सेक्शन अभी मैं बता के हटी हूँ, ये सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस के लिए यूज़ होता है, जिसको रद्द भी कर दिया गया है, ऑफेंसिव मैसेजेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 66B जो है, कोई भी अपना रिसीविंग स्टोलन डिवाइस, कोई भी अपने पास कोई भी चुराया हुआ डिवाइस कंप्यूटर रखता है, तो उस पर सेक्शन 66B लागू हो जाता है। 67 तो ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। 67C क्या है सेक्शन में, इसमें फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, अगर हम कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं, तो उस पर सेक्शन 67C लागू होता है। जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनको कुछ टाइम के लिए रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स उन पे ये सेक्शन 67C लागू होता है। 67D सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन ऑफ IT डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है। तो IT का कौन सा सेक्शन अपॉइंटमेंट करता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, CCA की, ठीक है। तो CCA मैं पहले एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो सारा देख रेख करती है। तो सेक्शन 17 में ये आता है, ठीक है। तो सेक्शन 5 मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेट करता है, ठीक है। और सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 और 15 ये भी डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ ही रिलेट करता है। तो मतलब सेक्शन 10 में पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये आ जाता है, ठीक है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द सेक्शंस ऑफ IT एक्ट डील्स विद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के लिए से कौन कौन से सेक्शन लगते हैं उसको, 43, 66, 66C एंड 66D। देखो पहले ये सारे सेक्शंस आप जो यहाँ लिखे हुए हैं पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियोस। तो सेक्शन 42 और 43 नया है, इनके बारे में आपको बता देती हूँ। सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43, सेक्शन 42 तो है कि हमने मतलब केयर करनी है पब्लिक की और प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर से पब्लिक की और प्राइवेट की रिलेटेड होती है, उनकी केयर करनी है ताकि वो किसी को पता ना लग जाए, डिस्क्लोज नहीं करने होने देनी, तो उससे ये सेक्शन रिलेट करता है। सेक्शन 43 जो है, हम बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन ऑफ ओनर, कोई भी कंप्यूटर डिवाइस लेके अगर उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है, या नेटवर्क को डैमेज कर देते हैं, कंप्यूटर को या नेटवर्क को डैमेज कर देते हैं, उस पर सेक्शन 43 लगता है, तो उसको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, कंपनसेशन भी देनी पड़ती है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैंने पहले भी बताया था, ये होते हैं जो किसी को रिकॉग्निशन दे, मतलब कि जिसने जो काम किया है उसी का ही हक है। जैसे पेटेंट्स में आ जाते हैं इन्वेंशंस, अगर किसी ने कोई इन्वेंशन की है तो इसको वो ही यूज कर सकता है। ट्रेडमार्क्स में क्या आ जाती हैं, फिल्म्स, म्यूजिक्स, ठीक है, सॉरी कॉपीराइट्स में आती हैं फिल्म्स, म्यूजिक्स, ठीक है। तो ट्रेडमार्क्स में क्या आ जाता है, ट्रेडमार्क्स में आ जाता है कोई भी जैसे गुड्स एंड सर्विसेज है, कोई चीजें हैं वो कंपनी की हैं, किस कंपनी की हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, तो उनका ही हक है, कोई और उनका नाम लेके उसको नहीं सेल कर सकता, इन पे सिर्फ इनका ही हक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ साइबल एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, CAT का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कितने साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच एक्ट इन इंडिया फोकसेस ऑन डाटा प्रिवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा प्रिवेसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कौन सा एक्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियसली IT एक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। बट IT एक्ट में अमेंडमेंट हुई तो ज़्यादा हमारा डेटा जो है वो बहुत सिक्योर हुआ, ठीक है, पहले से, तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 को करेंगे, 2000 को नहीं हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन। द सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइंस द डिजिटल सिग्नेचर विद, डिजिटल सिग्नेचर को हम किससे साइन करते हैं। देखो डिजिटल सिग्नेचर्स मैं पहले भी बता चुकी, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, इससे पता लगता है, ऑथेंटिकेशन होती है किसकी, सेंडर ऑफ मैसेज, ठीक है, जो सेंड कर रहा है हमें मैसेज उसकी पहचान होती है कि हाँ ये वही बंदा है जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। तो या फिर साइनर ऑफ डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, जिसने साइन किए हैं उसकी पहचान होती है। अब इनके लिए, इनको क्रिएट करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट और वेरीफाई करते हैं यूजिंग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। कौन सी टेक्निक होती है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट और वेरीफाई करते हैं साइन को यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स में एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है, जो साइन करता है डिजिटली साइन करने के लिए, जो यूज़र है, सेंडर है, डिजिटली साइन करने के लिए प्राइवेट की यूज़ करता है। ये आपने याद रखना है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट की यूज़ करता है और वेरीफाई करने के लिए जो रिसीवर है वो कौन सी की यूज़ करता है, पब्लिक की यूज़ करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट्स ओन प्राइवेट की। डिजिटल सिग्नेचर्स को साइन कैसे करते हैं, अपनी प्राइवेट की यूज करके। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।